इधर सिक्स टू जर ट्वेल्व कट गया। अब देखो अब मल्टीप्लाई करना, उसके बाद एडिशन कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखो सिक्स वन जर सिक्स प्लस थ्री थ्री जर नाइन, ये देखो थ्री है इधर थ्री है, थ्री थ्री जर नाइन प्लस फाइव टू जर टेन मल्टीप्लाई करना है, बटे में क्या लिखना है बारह, ऊपर को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा नौ छह पंद्रह और दस पच्चीस, आंसर आएगा पच्चीस बटे में बारह, ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेल्व। अब इसको आंसर देना है, बोल रहा है मिश्र भिन्न में, मिश्र फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है ट्वेंटी फाइव को बारह से, कितने बार में जाएगा ट्वेंटी फाइव दो बार में, बारह दूना चौबीस, कितना रिमाइंडर बचेगा वन। भागफल को लिखते हैं सामने में, शेषफल को लिखेंगे ऊपर में, और भाजक को लिखते हैं नीचे में। अब इतना इजी क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो, क्या क्या बताऊं मैं आपके लिए, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, आंसर रहेगा दो सही एक बटे बारह, पच्चीस को बारह से डिवाइड करना है तो दो बार में जाता है बारह दोनों ट्वेल्व टू जर 24, वन रिमाइंडर बचेगा याचना सिन्ना, वन को लिखना है ऊपर में, टू को लिखना है सामने में, है ना, और 12 को लिखना है नीचे में। एक्सक्यूज मी सर, हो गया? हाँ उज्जल बोलिए बेटा। सर जो आप क्या हुआ सर, जो आप 6 प्लस 9 प्लस 10 लिखे वो कैसे आया? हाँ आपको ये समझ नहीं आया ना, ये 6 प्लस 9 प्लस 10 कैसे है, देखो मैंने कटाया ना पहले, ये देखो 12 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 लिखा था, 12 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 सारे फ्रैक्शन को लिखा था, अभी देखो कटाया था मैंने, ये 12 को 2 से डिवाइड कर दिया था, 2 छक्के 12, 2 सिक्स जट 12, 4 थ्री जट 12, 6 टू जट 12, अब मैं मल्टीप्लाई किया हूं, देखो यहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना 1 और 6 का, 6 वन जर 6, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 3 थ्री जर 9।